अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब ठीक होंगे और ईद सब की बहुत अच्छी गुजरी होगी ईद मुबारक तो नहीं कह सकती मैं अब क्योंकि ईद को गुजरे काफ़ी दिन हो गए हैं और ईद के दिनों में, में मेरा कोई व्लॉग नहीं आया ये व्लॉग भी ईद से पहले का है मैंने एडिट किया हुआ था लेकिन अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला हस्बैंड आए हुए थे और वो बहुत कम दिनों के लिए आए थे तो मैंने भी फिर व्लॉग बनाने की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया छोटे छोटे क्लिप्स मैंने बनाए हैं वो मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी ये ब्लॉग क्योंकि ईद से पहले का है तो यहाँ पे मैं बच्चों की शर्ट्स लेने के लिए आई थी ये कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी की शॉप है चौकाज़म में नई बनी है काफ़ी अच्छा काम है इनका और रिजनेबल भी है यहाँ पे मैंने बच्चों की शर्ट्स दी थी, थी बनने के लिए तो वो मैं लेने के लिए आई थी तो बच्चों की शर्ट्स मैंने ले ली हैं काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं घर जा मैं आपको दिखाऊँगी और अभी हम दूसरी शॉप पे आए हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि वो मार्केट जब आते हैं तो देख के याद आ जाता है कि ये भी लेनी है तो बेटी का ड्रेस मैंने लिया है उसके साथ दोबट्टा हमने लेना था मुझे बिल्कुल याद नहीं था अब दुबटे देखे हैं तो फिर मुझे याद आया है तो बस अब हम वो देख रहे हैं वैसे तो चुनरी के दुपट्टे इन हैं और हर जगह से मिल जाते हैं लेकिन कुछ कलर ऐसे होते हैं ना कि वो जल्दी मैच नहीं होते तो इतना कोई खपाया है इस दुबट्टे ने हमें पूरी मार्केट हम घूमे हैं तो फिर इस शॉप से जाके मैच हुआ था ये काफ़ी बड़ी शॉप है मैचिंग सेंटर है ये और यहाँ से हर तरह के दुबट्टे मिल जाते हैं काफ़ी दुपट्टे थे इनके पास तो बस यहाँ से फिर हमने लिया है और यहाँ पे मैं दुपट्टा रख के देख रही थी ड्रेस के साथ के अच्छा लग रहा है फिर यही ले लिया था और इस बार ईद की ज़्यादा शॉपिंग मैंने पहले ही कर ली थी जब मौसम अच्छा था बस कुछ चीज़ें ही रह गई थी और मेरा ख्याल था कि ईद से पहले मुझे इतना मार्केट नहीं आना पड़ेगा लेकिन ये मेरा ख्याल ही था क्योंकि एंड दिन तक हमारे चक्कर लगते रहे हैं और ये लास्ट पे हम लेसिस वाली शॉप पे आए हुए थे यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली हैं और फिर बेटी साथ थी तो उसे भूख लग रही थी उसके बाद कुछ खाया पिया है और बस फिर हम घर वापस आ गए थे और चौक आजम में रिफ़्रेशमेंट के लिए कोई ज़्यादा जगह नहीं है बस मार्केट के अंदर एक दो पॉइंट्स बने हुए हैं और कुछ भी सिटी से बाहर हैं लेकिन हमारे लिए इतने ही काफ़ी हैं ये जगह हमारी ऑल टाइम फेवरेट है हमारी फैमिली में जब भी किसी की शादी होती है ना तो उससे हमने ट्रीट लेनी हो तो फिर हम यहाँ आते हैं या फिर एक सिटी से बाहर है थोड़ा ना वहाँ जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छी जगह है खुली है और अरेंजमेंट बड़ा अच्छा होता है इनका सेपरेट भी है और खाने में भी बड़ी वैरायटी है इनके पास ना टेस्ट भी अच्छा है तो यहाँ पे आना सही रह जाता है अभी हमने समोसे लिए थे और बेटी को फ्राइज़ खाने थे तो वो लिए हैं और बस इसके बाद फिर हम घर वापस आ गए थे तो बस घर वापस हम आ गए और ये शर्ट्स हैं जो मैंने बेटों की बनवाई है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगी है मैंने फर्स्ट टाइम करवाई है ये पहले वैसे इधर थी भी नहीं अभी आई है तो पहले मैं दूसरी एम्ब्रॉयडरी कराती रही हूँ लेकिन वो इतनी नीट नहीं होती थी ये शायद कंप्यूटराइज है इसलिए इसमें इतनी सफ़ाई है ये वीडियो क्लिप मैंने तब लिया था जब अभी बन के आई थी ना अब तो ये स्टिच भी हो गई हैं और स्टिच हो के भी बहुत ग्रेस आई है इनकी और सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत रिजनेबल है ना ये सेवन फिफ्टी में दो बनी है इंच के हिसाब से इनके पैसे हैं लेकिन इसके जिस तरह ये सफ़ाई है ना इनकी और जितनी अच्छी ये लग रही हैं उस हिसाब से मुझे बहुत रिज़नेबल लगी हैं तो ये नेक्स्ट डे है ये दो दिन का व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो बस ये बड़ी ईद है तो ज़ाहिर है इस पर सफाइयाँ भी बहुत बड़ी होती हैं ना बहुत सारे ऐसे काम थे जो मैंने छोटी ईद पर नहीं किए थे तो बस फिर बाद में ज़रा गर्मी शुरू हो गई तो फिर हुए ही नहीं तो इस ईद पर फिर मैंने कहा कि ये सारे कर लेती हूँ ये मेट्स वगैरह नहीं मैंने वॉश किए थे पहले तो अब ये हेल्पर आ गई थी तो वो कह रही थी कि मैं कर देती हूँ तो ये मैट्स पूरे घर के वॉश किए हैं और एक बड़ा कारपेट है जो टेबल के नीचे डालते हैं ना वो था तो वो भी साथ में मैंने वाश करवा लिया है तो साथ में ख़ुद भी कर रही थी उसके लेकिन ज़्यादा काम उसी ने किया है और उसके बाद एक चारपाई थी धोने वाली वो भी मैंने साथ ही धुलवा ली थी हम अपने घर का सिस्टम जितना भी फैंसी कर लें ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा हमारी ज़रूरत में रहती हैं उनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना उनके बगैर गुजारा है तो चार भाइयाँ भी उन्हीं में से एक है मैंने भी तीन चार अपने घर में रखी हुई हैं क्योंकि कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जिन्हें बैठने के लिए सोने के लिए यही चाहिए होती है ना ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग होते हैं जैसे तो अम्मी भी मेरी जब आती हैं ना तो वो कहती हैं कि आप लोग हॉल के अंदर सारा दिन कैसे गुजार लेती हो मेरा तो दम घुटता है यहाँ पे तो उन जैसे ही वो आए ना उन्होंने फ़ौरन बाहर बैठना होता है तो इस तरह ससुराल में से भी हैं बहुत सारे तो इसलिए फिर मैंने रखी हुई हैं तो बस इसके बाद ये मैट सारे वॉश करवा के तो मैंने पीछे डलवा दिए थे ये क्लिप वैसे मैंने शाम को लिया है लेकिन हेल्पर दोपहर के टाइम अपना काम करके तो वो चली गई थी और शाम के टाइम मौसम कुछ बेहतर हो जाता है आजकल वैसे ठीक है पहले की नस्बत ना और हमारा एरिया वैसे भी ऐसा है ये वो है ना रेतला इलाका है तो अगर तीन चार दिन ज़्यादा गर्मी हो ना यहाँ पे तो फिर या तो आंधी आ जाती है या फिर बारिश थोड़ी बहुत हो जाती है ठंडी हवा चलने लग जाती है यानी मौसम किसी ना किसी तरह बेहतर हो जाता है तो बच्चे यहाँ पे बैठे ये मोनोपोली खेल रहे थे शाम के टाइम ना ये साथ में हमारे रिलेटिव्स के काफ़ी सारे घर हैं तो वो सारे आए हुए थे और यहाँ पे खेल रहे थे तो ये वाला टाइम ना मेरा भी अच्छा गुजर जाता है मैं भी बाहर आके इन्हें देखती रहती हूँ ना साथ में बैठ जाती होती हूँ और यकीन करें कि इस एज की जो बेफिक्री और ख़ुशी है ना वो दोबारा नहीं मिल सकती बस एक ही काम होता है कि खेलना है पढ़ना भी बाद में आता है वैसे तो ज़िंदगी के हर फेज़ का अपना मज़ा है इंसान से फील करता है ना लेकिन जैसे जैसे फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है साथ में टेंशनें भी तो फिर उस तरह से हर कोई अपनी ख़ुशी को सेलिब्रेट नहीं कर सकता बाज़ों का तो टाइम ही नहीं होता किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने का तो बच्चों को देख के फिर बड़ा अच्छा लगता है बेड शीट्स मैंने पहले वॉश की हुई थी तो बस मैंने बच्चों का रूम भी ज़रा सेट कर दिया है इसका मैंने सेटिंग का कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि पहले काफ़ी बार मैंने बनाया हुआ है तो बस इनका रूम सेट करके अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर दिया था ये वो सारे काम हैं जो ईद से पहले होने ज़रूरी होते हैं क्योंकि अगर पहले अच्छी तरह से सफाई हुई हो ना तो फिर ईद वाले दिन ना भी करें तो गुज़ारा चल जाता है बस किचन में कर लेती हूँ और हॉल कर लेती हूँ क्योंकि वही ज़्यादा यूज़ में होते हैं रूम आजकल बच्चे इतना यूज़ भी नहीं कर रहे तो इसलिए तकरीबन साफ़ ही रहता है और कारपेट सूख गया था तो मैंने बच्चों को साथ ले कर डाल लिया है टेबल अच्छी तरह क्लीन कर लिया है टेबल पर ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं रखी हुई बस एक फ्लावर पॉट है और टिशू का एक बॉक्स होता है आज मैंने वो भी नहीं रखा था क्योंकि खाना वगैरह हम यहाँ पर खाते हैं ना तो इसलिए फिर मैं इसको ऐसे फ्री रहने देती हूँ अब जैसे ईद है तो फिर आना जाना होगा तो सर्विंग के लिए भी यूज़ होता है इसलिए मैं कोई चीज़ नहीं रखती तो बस ये काम हो गया था बच्चे आजकल घर हैं तो इस तरह के छोटे छोटे बड़े काम साथ करवा देते हैं मैं अगर कोई भी ऐसे क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ ना तो साथ आ जाते हैं तो बड़ी हेल्प हो जाती है फिर तो ये देखें बेटी ने और बेटे ने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया और बड़े शौक़ से करते हैं जब हम छोटे थे हमें भी काम का इसी तरह शौक़ होता था अब नहीं दिल करता करने हाँ। को साइड पे उतारो ना लकड़ी से उतारो ऐसे और किचन का एक ये कैबन साफ़ करने वाला रहता था किचन की सफ़ाई मैंने कितने पार्ट्स में की है जब मेरा ऐसे दिल तंग हो जाता है ना एक ही चीज़ साफ़ कर करके ना तो मैं छोड़ देती हूँ फिर मैं कोई रूम कर लेती हूँ इस तरह ना तो क्योंकि काम करने को अगर दिल ना कर रहा हो ना फिर काम अच्छे से नहीं होता तो मैं फिर इस तरह कर लेती हूँ और ये वाला कैबन तो मैं अक्सर साफ़ करती रहती हूँ क्योंकि ये विंडो के साथ है तो जब आंधी आती है ना इसमें डस्ट बहुत आती है और इसकी शेल्फ्स वगैरह भी ग्लास की हैं तो पता भी बहुत चलता है फिर के मट्टी ऊपर है तो बस ये मैंने साफ़ करके और सारे बच्चों के कप्स वग़ैरह और ग्लास मैंने दोबारा रख दिए थे ये पूरा ना मैंने ग्लासों ग्लास ही इसमें रखे हुए हैं तो ऐसे सर्विंग वगैरह के लिए यूज़ हो जाते हैं तो ये देखें अच्छे से क्लीन हो गया इसका डोर भी ग्लास का है वो मैंने क्लीनर के साथ साफ़ कर दिया था तो किचन आज मेरा कंप्लीट हो गया है फ्रिज वगैरह मैंने पहले ही कर ली थी तो बस ये सारा काम हो गया है और इसके बाद विंडो साफ़ की है ये सिंक के बिल्कुल सामने है तो जब बर्तन वॉश करते हैं ना तो पानी काफ़ी गिर जाता है इस पर इसलिए ये वीक में एक बार साफ़ करनी पड़ती है वैसे साथ ही जब मैं सिंक साफ़ करती हूँ तो जो नीचे का इसका पार्ट होता है ना उसको भी साथ ही साफ़ कर देती हूँ लेकिन प्रॉपर भी ये करनी पड़ती है क्योंकि ये काफ़ी ख़राब हो जाती है तो ये देखें अच्छे से साफ हो गई है बाइट की तरफ़ से हेल्पर ने कर दी थी और अंदर से फिर मैंने खुद कर ली थी और किचन के जो बटन है ना जैसे अवन का है फ्रिज का है और ये ग्राइंडर वगैरह के हैं जहाँ पे वो मशीन रखी होती है वो भी मैं अक्सर साफ़ करती रहती हूँ मैंने अक्सर घरों में देखा है कि ये साफ़ नहीं होते लेकिन पता नहीं मुझे अच्छे नहीं लगते और बेशक इतनी सफ़ाई ना हो यानी नीचे से अगर फर्श वगैरह मैं ना भी रोज़ साफ़ करूँ तो एक दिन निकल जाता है लेकिन बटन मैं प्रॉपर साफ करती हूँ क्योंकि मुझे वो ऑयली से और चिपके हुए अच्छे नहीं लगते ख़ास तौर पर किचन के वैसे पूरे घर के हमारे बिल्कुल साफ़ हैं और घर जितना भी पुराना हो जाए ना मेरे घर के बटन हमेशा से ऐसे ही साफ रहते हैं क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना वो चिपके से और ब्लैक ब्लैक सा ऊपर जो लगा होता है मुझे नहीं वो अच्छे लगते और आज खाने में मैं एक नई चीज़ बना रही हूँ ये बस मैंने दही लिया है उसके अंदर ग्रीन वाली चटनी डाली है और एक प्याज को काट के डाल दिया है प्याज को मैंने काट के थोड़ी देर पानी में डिप करके रखा है जब अंदर से उसकी करवाहट निकल गई है ना तो फिर वो मैंने पानी में डाल दिया है और पकौड़े बनाए हैं साथ में तो पकौड़े जब थोड़े से ठंडे हुए हैं ना तो उन्हें तोड़ के तो इस दही के अंदर मिक्स कर दिया है ये यकीन करें इतना मज़े का बना है ना ये मैं अपनी बाजी की तरफ गई थी ना तो मैंने उनके घर में खाया था तो वो कहती कि ये अक्सर दोपहर को या शाम के टाइम भी ना यानी रात को नहीं शाम में अगर आपने थोड़ा बहुत कुछ खाना है तो आप ये बना के देखें ना एक तो दही बड़े होते हैं ना उनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है इसका टेस्ट उससे डिफरेंट है ये बहुत मज़े का लगता है आप भी ज़रूर ट्राई करें तो मैंने फिर ये बना लिया था ना बस ये ग्रीन चटनी है प्याज़ है और पकोड़े हैं और बना के इसको रखना नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने चाहिए थोड़े क्रंची होंगे ना तो फिर खाने में मज़ा आता है तो बस ये मैंने बना लिया था और ये मैं अक्सर बच्चों को बना के देती रहती हूँ ना मैंने जब खाया ना तो मुझे इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगा था और बच्चों को भी फिर पसंद आया तो बस मैं बना देती हूँ दही बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए लेकिन इतना खाते नहीं हैं ख़ासतौर पर मीठा तो बिल्कुल नहीं खाते इस तरह खा लेते हैं मिर्ची भी इसमें कम होती है और शौक़ से खा लेते हैं और ये ईद से पहले का व्लॉग है लेकिन मैं अब अपलोड कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड माशाल्लाह से पाकिस्तान आए हुए हैं और वो ईद से एक दिन पहले आए हैं तो बस बिजी हैं हम घर में कोई आ जाता है या हम कहीं चले जाते हैं तो इसलिए फिर टाइम नहीं मिलता जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा तो मैं फिर अपलोड करती जाऊँगी तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो लाइक करें चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अपना बहुत ख्याल रखें अल्लाह हाफ